नाउ अंडरस्टैंडिंग वन मोर थिंग, 60 डेज का हमारा प्रॉफिट है 1333, 75 डेज का लॉस है 5733. तो हम लोग कौन सा क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे, 60 या 75? करेक्ट आंसर बाय एवरीवन, इट इज 60 डेज. सपोज ऐसे टाइम पास के लिए फर्स्ट ऑप्शन का है 5, दैट इज 1333 पॉजिटिव, सेकेंड का है 5733 पॉजिटिव. सपोज कि दोनों का इतना पॉजिटिव है. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि कौन सा क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे, 60 या 75? करेक्ट आंसर 75 डेज. दोनों में प्रॉफिट है तो हायर प्रॉफिट. मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आंसर इन द चैट बॉक्स. सपोज कि फर्स्ट में लॉस है 1333 का, सेकेंड में लॉस है 5733 का, तो कौन सा क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे, 60 या 75? फ्रेंड्स इन दिस केस नाइदर वी विल ऑफर 60 डेज नॉर वी विल ऑफर 75 डेज. अगर दोनों में लॉस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड है ना उसी को कंटिन्यू रखो. मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं. फ्रेंड्स देखो ये हमारा मेथड नंबर वन का आंसर है जो मैंने अभी दैट से आपको बताया है. मेथड नंबर वन में जो भी हमारा प्रॉफिट है ना, आप देखो उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, 171333 माइनस 170,000. तो क्या चेंज आया, 1333 का चेंज आया, 164267 माइनस 170,000. तो कितना चेंज आया, 5733 का. तो जब भी हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच करते हैं ना, तो वो इंक्रीमेंटल अप्रोच और कुछ नहीं है, नया प्रॉफिट और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का डिफरेंस है. नया प्रॉफिट और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का डिफरेंस है. तो सपोज बाय चांस ऐसा हो जाता है कि दोनों में लॉस है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉलिसी में जो भी प्रॉफिट आता है वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से कम है. तो क्या बोलेंगे, अरे भाई रहने दो, कुछ भी नया नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ऐसा हम लोग लिखेंगे. सो राइट ऑन फाइनल आंसर, दैट इज राइट ऑन अ नोट. In case all options in bracket I am writing new policies have a loss, comma, the company should continue with existing credit policy तो अगर सारे ऑप्शंस में लॉस है तो कंपनी को क्या बोलेंगे, जो चल रहा है वो चलने दो, नया पॉलिसी ऑफर नहीं करेंगे, फुल स्टॉप. Loss in proposed policy means profit in proposed policy is less than profit in current policy. इसका मतलब ऐसा होता है. सो रिवाइजिंग दिस मैराथन क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने सारे के सारे मेथड्स के लिए अच्छी तरह से डिस्कशन किया. मैंने आपको ये क्वेश्चन में ऐसा समझाया कि डिसीजन मेकिंग के लिए तीन मेथड है. एक का नाम है टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच, दूसरा नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच, और तीसरा नाम है टोटल रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच. पहला जो मेथड है वो हम लोग तभी लगा सकते हैं कि जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक एग्जिस्टिंग सेल्स, दूसरा नया सेल्स,
और कॉस्ट, ये तीन का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है। ऐसा दिया जा सकता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स दोनों सेम है। कॉस्ट में हमको वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है या तो टोटल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है, आइदर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग आंसर। इंक्रीमेंटल अप्रोच हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, जो मेथड अभी तक हमने यूज नहीं किया है, वो लगाने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या, कि एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स दोनों सेम रहना चाहिए। अगर फिर मैंने आपको ये लिखवा कि अगर हमको कोई मेथड स्पेसिफिकली दे रखा है तो हमको वो मेथड ही फॉलो करने का है। हम लोग हमारे हिसाब से कोई भी मेथड फॉलो नहीं कर सकते हैं अगर हमको कोई मेथड का क्लेरिफिकेशन दे रखा है तो। फिर हमको ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, अभी का सिचुएशन क्या है, प्रपोजल वन में क्या है, प्रपोजल टू में क्या है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच में देयर आर थ्री स्टेप्स इन व्हिच वी विल डू आंसर। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों, क्योंकि वो हर एक क्रेडिट पीरियड में सेम रहने वाला है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 2 लाख इन दिस एग्जांपल। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, क्यों, क्योंकि जब सेल्स में वेरिएशन आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट कौन से प्रोपोर्शन में चेंज होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। और तीसरा टोटल प्रॉफिट या लॉस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों तीन ऑप्शंस का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट है माइनस फिक्स कॉस्ट है, और उसमें से बैड डेट्स इतना तो डिडक्ट करना ही करना है, पर इंपॉर्टेंटली कैरिंग कॉस्ट भी डिडक्ट करना है। क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट हम लोग कहीं और कमा सकते थे, तो क्या हम लोग इतना कमा रहे हैं यहाँ पे, वो डिडक्ट करके हम लोग चेक करते हैं। प्रॉफिट आता है तो हाँ, लॉस आता तो ना। जो ऑप्शन का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी हम लोग ऑफर करेंगे। जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा सेल्स है उसमें कम प्रॉफिट है, क्यों, वो भी मैंने आपको समझाया कि उसका दो रीजन था, कि बैड डेट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा था और कैरिंग कॉस्ट भी डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीमेंटल अप्रोच, उसमें क्या किया जाता है, नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर करो, नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर करो। उसमें यूजुअली चार स्टेप से आंसर करने का, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लॉस, ऐसे चार स्टेप में आंसर करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है 60%, और तीसरा है टोटल, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। ये तीसरे स्टेप से थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट आता है आंसर करने में। नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर किया एंड वी हैव फाउंड इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लॉस, जिसमें अगेन हम लोग नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर करके लाइक कैलकुलेट करते हैं आंसर। ये जो हमारा आंसर है वो डेफिनेटली मेथड नंबर 1 से हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 में जो डिफरेंस इन द प्रॉफिट है वही का वही यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, 171,333 माइनस 1,70,000, 164,267 माइनस 1,70,000, दैट इज द वे यू कैन क्रॉस वेरीफाई द आंसर। एक में प्रॉफिट दूसरे में लॉस, तो प्रॉफिट वाला पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे। दोनों में प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट सिलेक्ट करेंगे। दोनों में लॉस, तो क्या बोलेंगे, जो चल रहा है उसको चलने दो, हमको नया पॉलिसी ऑफर करना नहीं है, ऐसा हम लोग डिसीजन लेंगे।